योगी सरकार ने माफिया और भू माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए ऑपरेशन माफिया अभियान चलाया है। इस ऑपरेशन का सबसे ज़्यादा असर प्रयागराज में हो रहा है। प्रयागराज में अब तक माफिया अतीक अहमद, दिलीप मिश्रा, विजय मिश्रा सहित 51 माफियाओं और लोकल हिस्ट्री सीटरों के अवैध निर्माणों को विकास प्राधिकरण ध्वस्त कर चुका है। 91 कार्यवाही में पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी और उसके गुर्गे लुकमान उर्फ नाटे के मकान को बुलडोजर लगवाकर ध्वस्त कर दिया। अतीक के इस गुर्गे ने 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा जमीन को कब्जा करके अपना निर्माण करा लिया था, जिसे आज पीडीए ने कई बुलडोजर लगाकर जमीन को खाली करवा लिया। पीडीए के अफसरों के मुताबिक अतीक के इस गुर्गे से जुर्माने की रकम भी वसूली जाएगी। कि सरकार की मंशा के अनुरूप जो कार्रवाइयाँ गुंडे बदमाश और गैंगस्टर आदि के खिलाफ जो है लगातार चल रही हैं, उसी क्रम में आज 91वीं और 50वीं और अन्य कार्रवाई की जा रही है। यह गैंगस्टर लुकमान नाटे और उसके भाई सिबू द्वारा अलग अलग मकान जो बना करके और अन्य के द्वारा जो प्राधिकरण के जमीन को कब्जा करते हुए निर्माण किए गए हैं, उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। यह जमीन लगभग 2500 स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा जमीन है, जिसको ये लोग बाउंड्री वाल और पक्के मकान बना करके अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे, आज उसको खाली कराया जा रहा है। इसकी कीमत जहाँ तक 2500 स्क्वायर मीटर की और मकान की कीमत है, यह लगभग करीब 10 करोड़ से कम की नहीं है। इस दौरान पीडीए की टीम ने अतीक अहमद के दूसरे गुर्गे हिफ्यूजर रहमान और साबू के आलिशान मकान पर भी बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। दोनों के ऊपर धूमनगर थाने के अलावा कौसाम्बी में भी गंभीर मुकदमे दर्ज है। अतीक के दूसरे गुर्गे साबू इस वक्त रेप के मामले में जेल में बंद है।